अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। जैसा कि हमने यूनिट 6 द एनवायरनमेंट के बारे में प्रीवियस वीडियो में हमने रीडिंग और एक्सप्लेनेशन की थी जस्ट वन पेज की, आज हम नेक्स्ट पेज रीडिंग करते हैं और साथ एक्सप्लेनेशन भी। ओपन योर साइंस बुक पेज 84। कौन सा पेज है? पेज 84। पेज 84 पे सबसे पहले डेट राइट करें 19/1/2021, CW राइट करें। टॉपिक है हमारा ह्यूमंस यूज़ इन्वायरमेंट, इंसान माहौल कैसे इस्तेमाल करते हैं या माहौल में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इंसान के इस्तेमाल में आती हैं। देयर आर अ ह्यूज नंबर ऑफ थिंग्स इन द इन्वायरमेंट दैट आर वेरी यूजफुल फॉर अस। माहौल में बड़ी तादाद में चीज़ें हैं जो हमारे इस्तेमाल में आ सकती हैं या हमारे लिए कारामद हैं। दीज आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज, ये रिसोर्सेज जो है ये नेचुरल रिसोर्सेज यानी कुदरती ज़राए कहलाते हैं। ट्रीज, प्लांट्स, एनिमल्स, एयर, मिनरल्स, रिवर्स, लेक्स, माउंटेन्स एंड हिल्स आल आर नेचुरल रिसोर्सेज। कुदरती ज़राए में क्या क्या है हमारे पास? ट्रीज, दरख्त, पौधे, जानवर, हवा, मादनियात, दरिया, झीलें, पहाड़ वगैरह, ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो हमारे माहौल का अहम हिस्सा है। ह्यूमंस यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक यूज़फुल थिंग्स, इंसान जो है नेचुरल रिसोर्सेज के ज़रिए यूज़फुल थिंग्स बनाते हैं जैसे कार्स, बिल्डिंग्स, इंडस्ट्रीज़, रोड्स, शॉप्स, स्ट्रीट्स, पार्क्स एंड काउंटलेस अदर्स। लातादाद ऐसी चीज़ें हैं जो हम नेचुरल रिसोर्सेज से बनाते हैं जैसे इंडस्ट्रीज़, बिल्डिंग्स, शॉप्स, ट्रीज, पार्क्स और बहुत ऐसे बहुत कुछ। वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट यूजिंग द एनवायरनमेंट, हम इन सब चीज़ों के बगैर माहौल में नहीं रह सकते, सर्वाइव नहीं कर सकते। ह्यूमंस आल्सो एब्यूज एनवायरनमेंट, इंसान माहौल के साथ कैसे बदसलूकी करता है या माहौल को कैसे गंदा करता है। फॉर द पास्ट सम टाइम ह्यूमंस हैव बीन एब्यूजिंग द एनवायरनमेंट, गुजरे हुए वक्त में इंसान जो है माहौल को कैसे आलूदा करते थे। देयर आर टू वेज ऑफ एब्यूजिंग द एनवायरनमेंट, माहौल से बदसलूकी का मतलब ये है कि माहौल को पोल्यूटेड करते थे, माहौल को आलूदा करते थे। इसके टू वेज हैं, नॉट कीपिंग इट क्लीन, नंबर टू है कंज्यूमिंग मोर देन इट कैन प्रोवाइड। नॉट कीपिंग द एनवायरनमेंट क्लीन बट पोल्यूटिंग इट, माहौल को साफ ना रखना और उसको आलूदा करना। ये देखें पिक्चर में दी है पोल्यूशन की एक मिसाल, एग्जांपल हमें इस पिक्चर में शो हुई है। ये इंडस्ट्रीज हैं और इससे उठने वाला ये केमिकल जो धुआं है, ये देखें ये से उठ रहा है जो हमारे ईयर को पोल्यूटेड कर रहा है। ये देखें ये हमारे पास एक एग्जांपल है। व्हेन आवर एनवायरनमेंट इज़ क्लीन एंड हेल्दी, ह्यूमंस एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट आर पार्ट ऑफ इट आर क्लीन एंड हेल्दी, जब हमारा माहौल साफ़ सुथरा रहता है तो इंसान, जानवर, पौधे और माहौल में रहने वाली हर एक चीज़ जो है साफ़ सुथरी और सेहतमंद रहती है। व्हेन द एनवायरनमेंट इज़ नॉट क्लीन पोल्यूशन इन द एनवायरनमेंट लीड्स टू डेथ्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स, इल हेल्थ एंड डिजीजेस फॉर ह्यूमंस एंड इननंबरेबल अदर्स अदर प्रॉब्लम्स। जब माहौल साफ़ सुथरा नहीं रहता तो आलूदगी ज़्यादा रहती है, तो माहौल गंदा हो जाता है और बीमार बहुत बड़ी तादाद में जानवर भी मर जाते हैं, पौधे भी मुरझा जाते हैं और इंसानों को भी बड़ी बड़ी बीमारियां लगना शुरू हो जाती हैं। तो ये हमारे माहौल को जो गंदा करने वाली चीज़ें हैं जो बड़ी तादाद में, हमें चाहिए कि इनकी रोकथाम करें और अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखें। अब हम इस पेज पे डिफ़िकल्ट वर्ड्स अंडरलाइन करते हैं और इसके मीनिंग्स राइट करते हैं। ये देखें यूज़फुल के मीनिंग हैं करामत यानी जो हमारी इस्तेमाल की चीज़ें हैं। फिर ये देखें नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज को अंडरलाइन करें। देखें कुदरती ज़राए, ये देखें ये कुदरती ज़राए को कहते हैं। फिर है बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स किसे कहते हैं? इमारात। फिर है इंडस्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़ कारखाने या फैक्ट्रियाँ। एब्यूज़, एब्यूज़ का मतलब है बदसलूकी। फिर आ जाए यहाँ पे पोल्यूटिंग, आलूदा करना यानी आलूदगी फैलाना। नेक्स्ट है लास्ट डिजीज़, डिजीज़ का मतलब है बीमारियाँ।
ओके बच्चों, इसकी रीडिंग करें और इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो आपने अंडरलाइन किए हैं इसको बार बार इसकी प्रैक्टिस रफ कॉपी में करें और इसकी ताकि आपको समझ आ जाए। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़, स्टे होम, स्टे सेफ।